इस जंगल में जरूर होगा कुछ। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। और अभी बज रहे हैं कुछ रात के, सुबह के 1:20 या 1:30 हो रहा होगा और हम हो गए हैं तैयार। मैं हो गई हूँ रेडी। वी आर गोइंग टू गोवा। यस, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि हम गोवा के लिए प्लान कर रहे थे, सो अभी हम निकल रहे हैं। हमारी जर्नी है ऑलमोस्ट 10 to 11 hours की एंड वी आर गोइंग बाई रोड दिस टाइम। पहली बार हो रहा है कि हम बाई रोड जा रहे हैं। Go to Goa. Coming. I'm going. Coming. Yeah, we are ready. Ready. Can see this one. Yeah, I can see. I can see there is. Want to eat? Daddy will get it. You want to eat, hun, baby? Yeah. हमने अपना पहला हॉल्ट लिया है चाय के लिए, क्योंकि बहुत नींद आ रही है, बहुत तेज नींद आ रही है हमें। और हस्बैंड जी ला रहे चाय, उनकी हालत देखिए। लग रहा था बार 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 बार, अभी वो जो मेरे को तुमको बोल रहा था वो मुझे भी बोलता है यही बात, कि पर्सनल लेवल पे ये कर देते हैं। पहुंच गए हैं ना आपने, मतलब किलोमीटर आधी दूर से थोड़ा ज्यादा, 296 किलोमीटर स्टिल लेफ्ट, सो आधी दूर हम पहुंच गए हैं। और आधी दूर से ज्यादा, आधी दूर से ज्यादा, और आंखें झुक रही, लिटरली इतनी नींद आ रही है, मतलब बस क्या कर सकते हैं। मैं सोना नहीं चाहती बिकॉज़ ही इज ड्राइविंग अलोन, और विहाना तो आराम से सो रही है, रेस्ट कर रही है। जी, काफी लंबा ट्रैवल है मेरे को तो, मैं पहली बार 10 घंटा ट्रैवल करी हूँ, पता है। तो अब जब हम लोग छोटे थे ना, हम लोग बहुत लंबा ट्रैवल करते थे कई बार, जो पहले वो पुरानी गाड़ियाँ आती थी ना, ओमनी अभी भी आती है। हाँ, तो उसके पीछे की सीट ऐसे हटा के और बिस्तर बिछा दिया, सारे बच्चे उसमें सो जाए और रात ट्रैवल करते हैं। तो उसमें मजा आता है ना, मतलब आराम से सो के जा रहे हो तो। बच्चों के लिए है, तो जुगाड़ लगा लेते हैं। मेरे को भी ऐसा जुगाड़ मिलता तो मैं भी सो जाती आराम से। यहाँ पूरी खेती खेती दिख रही है ना, पर फाइनली कुछ तो मिले ना, इतने पूरे रास्ते में कुछ भी नहीं था। सो अब हम लेंगे दूसरा हॉल्ट ब्रेकफास्ट के लिए और थोड़ा सा फ्रेशन अप होंगे यहाँ पे हम लोग, क्योंकि काफी टाइम हो गया, 6-7 घंटे से भी लाइक हम निकले हुए हैं। और लेट्स सी क्या खाते हैं, क्या खाओगे बाबू? डोसा इडली प्रेफर्ड है मेरे को, बस डोसा इडली खाते हो हर वक्त। व्हाट डू यू वांट टू ईट? आई वांट नीड स्पाइसी। यू वांट स्पाइसी? स्पाइसी। यू वांट टू ईट इडली डोसा? डोसा। ओह, ही वांट दिस। दिस व्हाट? दिस
look, G's there. G's there? Yeah. Oh, G. Okay. सामने कर लिया, माय गॉड, आंखों में इतनी धूप आ रही है, मैं तो कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ. सो इट वाज प्रीटी गुड एंड ठीक है, अच्छी जगह है, इट्स लाइक नॉट दैट बैड. हमने जहाँ अभी ब्रेकफास्ट किया, इसका नाम है गणेश होटल. खाना अच्छा था, इट वॉज नॉट स्पाइसी. हमने क्या क्या खाया हुआ है ना, इडली एंड डोसा. तो डोसा भी अच्छा था, इडली भी अच्छा था. इडली उंडा नहीं, इडली डोसा. तो इसमें बिहाना का सारा सामान भरा हुआ है और बिहाना को अभी कुछ चाहिए. व्हाट यू वांट बिहाना? आई वांट कुकीज. यू वांट कुकीज? या. फर्स्ट यू सिट डाउन, लुक एट मामा, टेक, से थैंक यू मामा. थैंक यू मामा. मुआ. इस जंगल में जरूर होगा कुछ. हाँ होता है ना. क्या क्या होगा? वैसा जंगली जानवर रहता तो होगा, लेकिन ऐसा होता तो यहाँ पे लगा रहता बोर्ड. वाइल्ड वाला नहीं होगा. पिछले 3 घंटे से हम लोग जंगल में हैं और बस जंगल में ही हैं और जंगल ही देखते जा रहे हैं और पता नहीं हम कब पहुँचेंगे. ऐसा क्यों लग रहा है कि हम आए हैं? गोवा का रास्ता है बाबू, गोवा का. गोवा में तो आए हो तो कितनी बार आए हो? रोड से तो याद नहीं है. रोड से फाइनली वी एंटर्ड गोवा. सीरियसली बहुत रास्ता खराब था ना बाबू, लेकिन रास्ता बहुत खराब था. सो पहुंचने के बाद मैं बस आके ऐसे सो गई थी, मेरी एकदम भी हालत नहीं हो रही थी कुछ भी करने की. और अभी हम सो के उठे हैं 10:15 में. सो सुबह मैं जैसे निकली थी वैसे ही मैंने, अभी हम जा रहे बीच पे. I don't know, already 6:30 हो गया है. थोड़ा पहले जाना था बट हम नहीं जा पाए. मेरी आवाज़ से समझ में आ रही हूँ कि मैं कितना थकी हुई हूँ. पता नहीं इतनी लंबी जर्नी थी 14 आवर्स. अभी तो हम बीच पे जाते हैं और थोड़ा सा फन करते हैं. Thank you.
सुन नहीं, मैं तो सुन।